हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ चैनल आयुर्वेद द बेस ऑफ लाइफ। हम में से बहुत लोग गिलोय के फ़ायदे लेने के लिए काढ़ा बनाकर उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हमें उतने फ़ायदे उसके नहीं मिल पाते हैं जितना हम उसके गुणों को जानते हैं। क्या कारण है कि आपको काढ़ा के सही फ़ायदे नहीं मिल पा रहे हैं? इसलिए कि आप उसको सही विधि से नहीं बना रहे हैं। आज के वीडियो में गिलोय का काढ़ा सही तरीके से बनाने की विधि। गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए पानी को 1/4 तक बॉयल करना चाहिए, यानी कि अगर आप 4 कप पानी ले रहे हैं और गिलोय डालकर उबालें तो पानी जब तक 1 कप ना रह जाए तब तक इसे बॉयल करना है और फिर इसे छानकर पी लेना है, या तो फिर अगर आपको कोई बीमारी है तो इसे 1/8 तक बॉयल करिए, यानी कि 4 कप पानी को लेकर उसमें गिलोय डालकर उसे बॉयल करिए और जब पानी उड़ करके केवल आधा कप बचे तब उसे निकालकर उस गुनगुने पानी को पी लीजिए। बीमारी को दूर करने के लिए इसके पूरे फायदे आपको मिल पाएंगे। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए काढ़ा ले रहे हैं, तो फिर आप 4 कप पानी को उबालकर 1 कप पानी रहने तक पकाकर फिर लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है और उसको पूरी तरह आप ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए इसे फिर 1/8 तक बॉयल करके छान कर लीजिए। अधिकतर लोग गिलोय को बॉयल करके उसको पानी को पी लेते हैं या कि फिर गिलोय को केवल आधे ग्लास पानी तक बॉयल करके उसका इस्तेमाल करते हैं। इस कारण उसके पूरी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ उस पानी में नहीं आ पाती है और दूसरा उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका भी लोगों को पता नहीं होता है। इसको सही तरीके से किस तरह इस्तेमाल करना है, इसके लिए आपको गिलोय की एक डंडी को लेना है। जी हाँ, गिलोय के पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना है, गिलोय की डंडी लेनी है। एक बार के काढ़े के लिए लगभग 6 इंच लंबी डंडी का इस्तेमाल आपको करना है। इस डंडी के 1-1 इंच के टुकड़े काट लीजिए और उसे अच्छी तरह कूट करके पानी में भिगा कर रख दीजिए। इस पानी को 4 से 5 घंटे कम से कम छोड़ना है। इस तरह पानी में भीगे रहने के बाद जब आप इसे बॉयल करेंगे और 1/4 तक रिड्यूस करके तब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके पूरे गुण मिल पाएंगे। और अगर बीमारी में लेना है तो इसे 1/8 तक रिड्यूस करिए। इस प्रकार पकाने से गिलोय के सारे औषधीय गुण पानी में आ जाएंगे और इस पानी का इस्तेमाल करने से आपको इसके पूरे फायदे मिल पाएंगे। गिलोय का इस प्रकार बनाया हुआ काढ़ा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, फ्री रेडिकल्स जो सेल्स को डैमेज करते हैं उनसे आपको बचाएगा। गिलोय हार्मफुल टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। ये हार्मफुल बैक्टीरिया को नष्ट करता है, लीवर की बीमारियों से बचाता है, दिल को स्वस्थ रखता है, इनफर्टिलिटी को मिटाने में बहुत फ़ायदेमंद है। गिलोय पाचन को मजबूत करती है, हर तरह के बुखार को ठीक करने की इसमें क्षमता होती है, यहाँ तक कि स्वाइन फ्लू और डेंगू मलेरिया जैसे बुखार को भी ये ठीक करती है। गिलोय का नियमित इस्तेमाल आपकी आंतों की समस्याओं को ठीक कर देता है, मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, याददाश्त बढ़ाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिलोय का काढ़ा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, इसलिए शरीर में किसी भी तरह की और कहीं की भी सूजन हो उसे ठीक करने का काम करती है। आर्थराइटिस को ठीक करने का काम करती है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। खांसी, जुकाम, टॉन्सिल्स को ठीक करने में फायदेमंद होती है। गिलोय अस्थमा के लक्षणों को कम करती है, आंखों की रोशनी बढ़ाती है, त्वचा की हर तरह की समस्याएं को मिटाने का काम करती है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, ग्लोइंग स्किन देती है। अगर आपको किसी तरह की कोई बीमारी है तो इस तरह गिलोय को पका करके 1/8 वाला काढ़ा बनाकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई बीमारी नहीं है और आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं तो भी कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार इस प्रकार इसका काढ़ा बनाकर पीने से आपको समस्याएं पैदा नहीं होंगी और साथ ही आपको ग्लोइंग स्किन भी मिलेगी। तो आप भी गिलोय के इन प्रॉपर्टीज़ को जानकर उसके फ़ायदे लेने के लिए इस प्रकार काढ़े को बनाकर जरूर इस्तेमाल करिए। वीडियो की जानकारी लोगों के साथ तो उनके फ़ायदे के लिए शेयर करिए और ऐसे हेल्दी टिप्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।